अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुतरी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरी टाउन शकील लाहौरी तवा पीस। आप मेरे सामने देख सकते हैं यहां पर तवा पीस तैयार किया जा रहा है और आप ये कह सकते हैं कि ये रावलपिंडी खूस गोरी टाउन की इसे सौगात भी तस्वर किया जा सकता है। और इस जानब आप देखें तो आलू टिक्की और अंडा टिक्की खूबसूरत अंदाज से तैयार की जाती है और एक मुनफरद और दिलकश जायका है। और हम बारहा यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जायका चखने के लिए। आइए इस भाई से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं कि जिसकी वजह से इसका जायका मज़ीद दोबाला हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो तवा पीस है खुसूसन पिंडी में कहीं पर भी नहीं बनता, बहुत कम जगहों पर बनता है, यहाँ पर बनता है, तो आप इसमें क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं जिससे इसका जायका मज़ीद दोबाला हो जाता है? ये वाकई सर इधर इस्लामाबाद में किसी जगह पे नहीं है, ये लाहौर शहर का तवा चिकन है। तो यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले तो इसको बारबेक्यू करते हैं। बारबेक्यू करने के बाद इसमें ये मसाले ऐड होते हैं, दही में मसाले होते हैं काफ़ी किस्म के, तो ये ब्लैक पेपर होता है, वाइट मिर्चें सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, दही में हरी मिर्चें होती हैं, लेमन वगैरह सारा कुछ डाल के यहाँ पर तैयार किया जाता है। दूसरा हमें ये बताएं कि शादी ब्याह के मौक़ों पर आप खुसूसन ये तवा पीस वहाँ पे जाके भी बनाते हैं? बिल्कुल, हम ये इवेंट वगैरह भी लगाते हैं, ये जो इवेंट वगैरह होते हैं ये पार्कों में फंक्शन वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे भी लगाते हैं, तो घर में भी कोई फंक्शन वगैरह हो तो हम वहाँ पे लाइव जाके लगाते हैं तवा पीस। अगर कोई आपसे ऑनलाइन या किसी तरीके से घर पर ये पीस मंगवाना चाहे तो क्या आप डिलीवरी भी करते हैं? जी बिल्कुल, हमने हमारे पास लड़के हैं जो डिलीवरी करते हैं, दिन को नाश्ते की भी करते हैं और रात को तवा पीस वगैरह वाइट पुलाव जो भी चीज़ें हैं रात को भी हम जो फ़ोन करता है तो उसको घर पहुँचाते हैं। तवा पीस है, चने और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जैसे आलू की टिक्की है, तो सबसे ज़्यादा आपकी क्या चीज़ मशहूर है और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है? सुबह के टाइम हमारा सबसे चने जो है वो, और शाम के टाइम चिकन तवा पीस हमारा जो है ना वो फेवरेट ये डिश है हमारी जो तवा चिकन रात के टाइम। नाज़रीन, शकील लाहौरी के पास पहुंचने में आपको बिल्कुल किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल बाज़ार के वस्त में ये जगह मौजूद है, आप आसानी के साथ यहाँ पहुंच सकते हैं। तो अभी हमारा तवा चिकन रेडी है, आइए खा के देखते हैं और आपको बताते हैं कि जायका कैसा है। फ़ख्र जमान साहब हमें बता रहे हैं कि जायका इंतहाई उम्दा है और अगर साथ में चपाती हो तो मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। शकील लाहौरी की दाल चना भी बेहद मशहूर है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर दाल चना खाने के लिए भी आते हैं, लेकिन तवा चिकन का जायका इंतहाई उम्दा और लजीज होता है। और जो लोग कीमा खाने के शौकीन हैं वो लोग इसी तवा पीस का कीमा भी करवा के खा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कीमा किया जा रहा है और सब कहते हैं कि ये कीमा भी जायके में बेहद लजीज होता है। बहरहाल अभी हमने कीमा खाया नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। नाज़रीन, शकील लाहौरी के तवा चिकन के साथ साथ दीगर अशिया भी काफ़ी लजीज हैं, इनका भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अंदाज से ये लोग बनाते हैं और इंतहाई मुनफरद जायका है। अगर आप भी रावलपिंडी आएँ तो गोरी टाउन लाजमी आएँ जहाँ पर ये शकील लाहौरी तवा पीस वाले मौजूद हैं, ये आपकी इस कदर खिदमत करेंगे और ऐसे आपको पीस बनाकर देंगे कि आप बार बार यहाँ पर आएँगे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ के लिए मुनफरद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।